देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। शहर में जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की लचर कार्यशैली की वजह से जाम की वजह से आम जनमानस परेशान है। वहीं पर एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सेवा भी जाम में फंसकर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा रही है। रायबरेली शहर की ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम होती नजर आ रही है। कचहरी रोड पर स्थित SJM स्कूल की वजह से जहां आम जनमानस को जाम का सामना करना पड़ रहा है, वहीं सबसे महत्वपूर्ण एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस जा रही है, जो कहीं ना कहीं मरीजों के साथ जानलेवा साबित हो सकती है। गौरतलब है कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कचहरी रोड पर स्थित SJS पब्लिक स्कूल की वजह से रोज दोपहर में एक लंबा जाम कचहरी रोड पर लगता है और इस जाम की वजह से लंबी लंबी लाइन लग जाती है, जिसकी वजह से बूढ़े और बच्चे जहां परेशान हो जाते हैं, वहीं आवश्यक कार्यों में लगी हुई गाड़ियां भी इसमें फंस जाती हैं। गौरतलब है कि कचहरी रोड शहर की सबसे व्यस्ततम रोड है। इसी रोड पर जहां बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और मॉल खुले हुए हैं, वहीं दीवानी कलेक्ट्रेट ऑफिस भी इसी रोड के जद में आते हैं। वहीं शहर का प्रतिष्ठित स्कूल SJS भी इसी रोड पर स्थित है। समस्या तब खड़ी हो जाती है जब दोपहर में स्कूल की छुट्टी होती है, उस समय अचानक रोड पर ट्रैफिक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक लंबा जाम लग जाता है। जबकि कई बार स्कूल प्रशासन को भी अवगत कराया गया कि आप रोड की तरफ खुलने वाले मुख्य मार्ग का गेट ना खोला करें, स्कूल के पीछे की तरफ जो गेट है उसको खोले, जिससे कि बच्चे उससे निकल लेंगे तो वो रोड पर सीधा नहीं आ पाएंगे और जाम की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। इसे स्कूल की मनमानी कहे या बड़े बड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इसलिए ये स्कूल मनमानी पर उतरा है। छुट्टी के समय स्कूल का मुख्य गेट खोला जाता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे अचानक रोड पर आ जाते हैं और जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या परिचय भैया आपका? हमारा नाम परमेश यादव है। और क्यों खड़े यहाँ पे? काफी देर से ये जाम लगा हुआ है और इसी से परेशान होते धूप में काफी ज्यादा परेशान हो गए थे तो शहर में खड़े हो गए। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पे हो गए हमको 35 मिनट। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।